जी सब लोग तो पीजी होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है छत्तीसगढ़ से। कोई कोई ऐसा लोग भी है जो मतलब हाईलाइट नहीं होना चाहता है, ऐसा नाम नहीं बताना चाहता हूँ। उन लोग जैसे नेशनल अवार्ड वाला है, जैसे ये एमपी का है अरुण, ओपुर दिल्ली का है, और दर्शन उत्तराखंड का है, ये छत्तीसगढ़ का है। जम्मू शहर जहाँ स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है, और इस स्मार्ट सिटी में आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं एड ऑन हो चुकी हैं। जहाँ जम्मू शहर को खूबसूरती की ओर बढ़ाया जा रहा है, वहीं देखा जा रहा है कि ब्रिजेस और वॉल पर पेंटिंग हो रही है, जिसमें डुग्गर देश को प्रदर्शित किया जाता है, कल्चर को दिखाया जाता है। इन पेंटिंग्स को कौन बनाता है, इसके पीछे कौन लोग हैं जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं इस डुग्गर कल्चर को दिखाने में, तो आइए जानते हैं इन लोगों से, पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे? हेमंत वर्मन। ये पेंटिंग्स के पीछे आप कहाँ से, पहले आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आसाम का रहने वाला हूँ। आसाम का रहने वाले हैं, आसाम से आप यहाँ पर आए हैं पेंटिंग्स के लिए? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोगों को एमएस ग्रुप दिल्ली का ग्रुप है एक, उसकी थ्रू से हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया का काम मिलता है। जैसे अभी जम्मू का काम चल रहा है, और दूसरा काम हम लोग स्क्रैप का काम चल रहा है जैसलमेर में, भोपाल में रिसेंटली काम उसमें भी स्टार्ट कर दिया हूँ। सब हम लोगों का क्या है, एक अलग अलग मतलब स्टेट का है, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था और वहाँ पर ही हम लोग मिल गया। मिलने के बाद सब लोग एक ही साथ में, जैसे ये एमपी का है अरुण, ओपुर दिल्ली का है, और दर्शन उत्तराखंड का है, ये छत्तीसगढ़ का है। सब अलग अलग प्रदेश से आए? सब अलग अलग है। कोई कोई ऐसा लोग भी है जो मतलब हाईलाइट नहीं होना चाहता है, ऐसा नाम नहीं बताना चाहता हूँ। उन लोग जैसे नेशनल अवार्ड वाला है, हम लोग के पास उन लोग भी है। एक्चुअली बोलना भी उन लोग थोड़ा सा, जैसे वॉल पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, बस हम लोग आर्टिस्ट है, पेट के लिए भी करना पड़ता है और ऊपर वाला हम लोग को दे रहा है बस। तो आपने इसके लिए कोई खास कोर्स किया है इन पेंटिंग्स के लिए? जी सब लोग तो पीजी होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आप सब ने छत्तीसगढ़ से ये पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? हाँ, मतलब अलग अलग का भी, जैसे बेंगलोर से किया है एक विकास भाई ने, और बाकी इन लोग बाहर से भी किया हुआ है, शांति निकेतन से भी है। तो आप असम के रहने वाले हैं और आप जम्मू में डुग्गर कल्चर को इन पेंटिंग्स के जरिए दिखा रहे हैं, तो आपको कोई मुश्किलात नहीं आती कि आप असम से हैं और डुग्गर कल्चर को आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मुश्किल? मुश्किल तो होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, पूरा कल्चर के ऊपर, आर्ट का जो एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक्स के ऊपर हम लोगों को क्लोज ही होता है। कोई सा भी हम लोगों को सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके ऊपर हम लोगों को पूरा डिटेल्स पता होता है, क्या करना है, हारमोनी कैसे हम लोगों को मेंटेन करना है, ये सब पूरा डिटेल्स हम लोगों को रहता है। इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, हम लोगों को दूसरे वाला क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, हम लोगों को पता चलता है, हम लोग फील कर सकता हूँ, इसलिए हम लोगों को कलर में ज़्यादा खेलने का मजा भी अलग होता है। तो आपको क्या स्पेशल थीम दी गई है कि ये पेंटिंग्स की ये थीम है और इसी के बेस पर आपको पेंटिंग करनी है वॉल्स पर? हम लोगों को पहले जो ये जम्मू स्मार्ट सिटी ने बोला था, इसके हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट तो उतना लोग मतलब जानकारी होता नहीं है, इसलिए सेमी एब्स्ट्रैक्ट में उसमें कन्वर्ट किया हूँ। कन्वर्ट करके इसको जितना ब्यूटी है उसको निकालने के लिए कोशिश किया हूँ। कितने साल से आप ये कर रहे हैं वॉल पेंटिंग का काम? टाइम तो बहुत हो गया, लगभग मैं 2012 में मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद में मैं वॉल पेंटिंग में जुड़ा हुआ हूँ, और स्पेशली मेरा स्कल्पचर डिपार्टमेंट का है। स्कल्पचर डिपार्टमेंट जैसे ब्रॉन्ज, फाइबर, अलग अलग मेटल से हम लोग बना सकता हूँ। डिपार्टमेंट अलग अलग है, सब लोगों का अलग अलग है, पेंटिंग हम लोग को खुशी देता है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना समय हुआ है आपको यहाँ पर आए हुए जम्मू में, और आप ये पेंटिंग कब से कर रहे हैं, कितने वक्त से कर रहे हैं? सॉरी, जनवरी 28 को आया हूँ, बस लगातार काम कर रहे हैं। अब तक कितनी आप वॉल्स को पेंट कर चुके हैं? बस इतना ही है, यही से शुरू हुआ हम लोगों का उस साइड से। तो ये जो आपके एमएस कंपनी को टेंडर मिला है, ये इस साल ही मिला है या हर साल उनको यही टेंडर मिलता है? ये टेंडर तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलता है। जैसे हम लोग पिछले साल किया हूँ हरिद्वार में, कुंभ मेले में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद अभी रिसेंटली चल रहा है जैसलमेर का, वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा ही प्रोजेक्ट है। और फरीदाबाद में भी चल रहा है काम, हम लोग सब आर्टिस्ट में ही कर रहे हैं। उसके बाद भोपाल में रिसेंटली टेंडर मिला है, उसको हम लोग शुरू नहीं कर पाया हूँ, यहाँ से निकाल के भोपाल चला जाऊँगा। हम लोग यहाँ पर कुछ और भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम? अरुण मरावी। अरुण, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से, तो आप भी इन्हीं के साथ यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इनके साथ में हूँ, ये मेरे सीनियर हैं और मैं काफ़ी टाइम से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो ये हमारा चलता रहता है सर।
जी। तो अरुण, आप किस तरह के कलर्स इन पेंटिंग्स में यूज़ किए जाते हैं? ये तो एक्रेलिक ही रहता है, एक्रेलिक प्लास्टिक पेंट, जो किसी भी मतलब वेदर के में ये सब ख़राब ना हो, तो वैसे कलर्स होते हैं ये, वाटरप्रूफ, मतलब ये सनलाइट को जो झेल सके और फिर बारिश वारिश में जो ख़राब ना हो, उस तरीके का कलर होता है। जैसे कि एक पेंटिंग का टाइम होता है कि एक पेंटिंग 10 दिन में ख़त्म होगी या 15 दिन में ख़त्म होगी, तो आपको ये कहा जाता है कि ये आपको वॉल पेंट करने के लिए दी गई है तो इतने दिन में ये ख़त्म होनी चाहिए, कुछ टाइम पीरियड इसमें रहता है? अब ये कभी कभी डिपेंड करता है कि एक ड्यूरेशन दे दिया है कि इतने टाइम इसको ख़त्म करना है, और बाकी ये तो आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो कब उसका मूड उस तरीके से काम कर रहा है। अगर उसका मन नहीं है तो फिर वो ऐसा काम भी नहीं आएगा, फिर वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि हाँ मैंने कर दिया ऐसा। अदरवाइज ऐसा टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, हम अपने तरीके से काम करते हैं कि जैसा हमको समझ में आता है। पहले मीटिंग होती है, फिर उसमें डिस्कशंस होते हैं कि ये थी मैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं और बेटर क्या हो सकता है, अगर इस तरीके का डालेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सारा कुछ स्टडी करने के बाद, एक डिस्कशंस के बाद, फिर जो रिज़ल्ट आता है उस पर हम काम करते हैं। तो कितने लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये जो आप वॉल पेंटिंग कर रहे हैं इसमें, और कितने लोग हैं आपके साथ? 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग आप एक ही जगह से आए हैं? हाँ जी। आपने अपनी ये डिप्लोमा कब कम्प्लीट? डिग्री की है एक्चुअल, मैंने 2018 में पास आउट हुआ, मैं मास्टर्स किया मैंने वहाँ से, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद से ये काम कर रहा हूँ। आपकी ये स्पेशल कोर्सेज रहते हैं, तो जैसे कि आपने ये अभी एक पूरी वॉल को आप कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद आपकी नेक्स्ट कौन सी वॉल है जहाँ पर आप पेंटिंग करने जा रहे हैं? नेक्स्ट तो इसके बाद सीनियर बताएंगे। अभी तक तो ये नहीं अलाउड नहीं किया है, जैसे ही करेंगे हम लोग उसके बाद काम करेंगे। तो कितना टाइम पीरियड रहता है कि जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने एक वॉल को इतने दिन में कंप्लीट करना है? एक्चुअली टेंडर के हिसाब से उसमें टाइम मेंटेन रहता है, जैसे 30 डेज बा 19 डेज इसके मतलब आसपास में रहता है, मगर इसमें तो अभी कोई इतना ये नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, बोल रहा है मैक्सिमम 90 डेज के आसपास में ख़त्म कर दो, बस इतना ही बोला है, लिखा हुआ नहीं है। तो जब आप ये पेंटिंग बनाते हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा डुग्गर देश, डुग्गर कल्चर को आप दर्शा रहे हैं इन पेंटिंग के माध्यम से, तो कितना, एक तो आपके लिए कितना मुश्किल रहता है और कितना रिदम से आप इसको बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर को भी आपको पता चलता है कि जम्मू का ये कल्चर है, हमें इस तरह से इस रंग में इसको रंगना है, तो वो उसमें कितना आपका रुझान रहता है? एक्चुअली काम होता है ज़्यादा, हम लोगों को इसका डिस्कस होता है और पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी कल्चर सब लोग का अलग अलग है, इंडिया में कितना आदमी है उसके हिसाब से कल्चर भी पूरा ही अलग अलग है, इसलिए हम लोगों के यार पूरा साथ मिलके डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये पॉइंट पकड़ लेंगे तो हम लोगों को कहीं गलत तो ना हो जाए, किसी का गलती भी नहीं होना चाहिए, किसी को ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, हम लोग बीच का रास्ता जो लेते हैं और सब लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए, किसी के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो हम लोगों को क्या बोलता है रिलीजन के ऊपर आना नहीं चाहिए। जेके न्यूज़ स्टूडियो से बात करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ये थे MS कंपनी के वो लोग जो इस समय, जिन्हें टेंडर मिला है और जो वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, डुग्गर कल्चर को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इस पेंटिंग के माध्यम से। डिफरेंट राज्यों से आए ये लोग डुग्गर प्रदेश को एक नई खूबसूरती, एक नई पहचान दे रहे हैं इन पेंटिंग के माध्यम से। कैमरामैन अरुण बब्बर के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।